से ही बात करो आप, 370 और 35 की जब मनसूखी हुई, तो किस बच्चे के हाथ में जो है पत्थर थे, किस बच्चे के हाथ में ड्रग्स थे, किस बच्चे के हाथ में वेपन थे, आप मुझे बोलो, कौन सा बच्चा कश्मीर में मरा, आज कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे थप्पा लगा है, आज जो है डेवलपमेंट हर तरफ है, आज कश्मीरी बच्चा अपनी फील्ड्स में प्रोग्रेस कर रहा है, आज डेवलपमेंट है, G20 के समिट हो रहा है यहाँ पे, इतने इतने बड़े बड़े FDI प्रोजेक्ट्स, अगर इमार की आपने बात, इमार के बारे में भी आपने सुना होगा, दुबई का, इमार ग्रुप दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई में इमार की बहुत प्रोजेक्ट थी, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहला प्रोजेक्ट इंडिया ने हमारे कश्मीर में लगाया, जहां पे 25,000 करोड़ का जो है, 2500 करोड़ का, सॉरी 2500 करोड़ का यहाँ पे मॉल खुलने वाला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दैट कैन बी अ ग्रेट सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर आर यूथ ऑल्सो। और अगर हम आईटी सेक्टर्स की बात करें, आईटी सेक्टर्स भी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी भी बन रही है, G20 डेलीगेशन यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम से आए, UN ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 12 साल जो मसला था, कहते थे कि कश्मीर का जो मसला UN में चल रहा था, UN ने तो क्लियरली बोल दिया कि कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एनीमोर। तो पाकिस्तान को अब चुल मची है, आपको अगर माशराती पाकिस्तानी कुछ वो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है इंडिया के लिए, हमने कारगिल वॉर जीती, हमने वो किया, हमने ये किया, तो दैट इज टोटली अनएथिकल। यू गाइस कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड आप वर्ल्ड में देख सकते हो, बाकी US सी बात है, अगर आप एक रिलीजियस मेंटालिटी लेकर के चलोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में मेजोरिटी मुसलमानों की है और माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, आपका मजहब ये कहाँ पे सिखाता है कि आप माइनॉरिटीज को जबरदस्ती कन्वर्ट करके उनको इस्लाम इस्लाम में जोड़ो, तो ये चीज जो है रिलीजन में भी नहीं आती है। अगर कंट्री में मिल बांट के अमन शांति से लोग रहेंगे, अगर भाईचारे से लोग रहेंगे, तो ही एक कंट्री तरक्की कर सकती है, तो ही एक कंट्री में डेवलपमेंट हो सकती है, तो ही एक कंट्री जो है आगे जो है सक्सेस पा सकती है, प्रोस्पेरिटी पा सकती है। लेकिन अगर एक कंट्री में पहले रिलीजन आ जाता है ना, वो कंट्री खस्ता हालत में आ जाती है, वो कंट्री जो है बर्बादी का शिकार होती है, जो कि आपकी कंट्री फेस कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी कंट्री में सिर्फ मैं एक बंदी हूँ, सिर्फ मैं एक ऐसी वाहिद इंसान हूँ जिसके लिए नेशन फर्स्ट है। आमतौर पर अगर आप यूजुअली भारतवासियों की तादाद देखोगे, तो वो पहले से ही जो है नेशन फर्स्ट का इरादा रखते हैं, वो पहले से ही जो है पहले खुद को एक भारतवासी समझते हैं, उसके बाद उनका रिलीजन आता है। वैसे रिलीजन तो घर की चॉइस है, एज हर एक भारतवासी आके क्लियरली बोल देता है कि रिलीजन जो है वो घर तक रहता है, लेकिन बिसाइड्स दैट, जब हम घर के बाहर निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा एक कर्तव्य होता है देश के लिए, हमारे कुछ काम होते हैं, हमारा कुछ रोल होता है हमारे देश के लिए, तो हमें बस एक भारतवासी बनकर रहना चाहिए, हमें बस एक कंट्री का नागरिक बन के रहना चाहिए, तब जाके कंट्री में तरक्की हो सकती है। या सो फॉर मी इट इज नेशन फर्स्ट। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से खासतौर पे देख रहे हैं या इंडिया से या कहीं से भी देख रहे हैं, उनके नजदीक रिलीजन फर्स्ट है, तो उनसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी एक कंट्री मुझे बताएं जिसमें रिलीजन फर्स्ट है और वो डेवलपमेंट में टॉप 5 दुनिया की कंट्रीज में आता है या टॉप 10 कंट्रीज में भी आता है। ये एक सवाल है, मे बी ऐसा कोई कंट्री हो, लेकिन मुझे जरूर बताइएगा जिनके लिए रिलीजन फर्स्ट है। भाई का वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने पहला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आंसर दिया, मैं इंस्पायर हुआ आपकी बात से। मुझे बताएं कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में मैं बैठ के कश्मीर की बात करूंगा, मेरा राइट नहीं बनता। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूं, हाँ यूट्यूब पे हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, बात करता हूं, मेरी मेरी ये राइट है कि मैं बात कर सकूं, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरियों का राइट है कि वो कश्मीर के बारे में बताएं, शायद उतना मेरा राइट नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी कश्मीर के बारे में, जो पाकिस्तान में एक परसेप्शन सी बनी हुई है, एक आजाद कश्मीर है और एक मकबूजा कश्मीर है। आपके ख्याल में आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की डेफिनेशन क्या है और कौन सा आजाद है, कौन सा मकबूजा है? मकबूजा तो अब क्लियरली आप यूजुअली हर पाकिस्तानी का यही दावा होता है कि मकबूजा कश्मीर है ये, बट इट इज नॉट मकबूजा कश्मीर, इट इज नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज द फ्री कश्मीर हेयर। अगर हम आजाद कश्मीर वैसे इसी कश्मीर का नाम होना चाहिए, और अगर हम POK की बात करें, तो आपके लोगों ने उसको POK आजाद कश्मीर नाम दिया है, लेकिन वहां के लोगों के साथ किस कदर जुल्म ज्यादती हो रही है, किस कदर वहां पे लोग जूझ रहे हैं गुर्बत से, महंगाई से, उनको मारा जाता है, घसीटा जाता है, आर्मी के अंडर सब कंट्रोल है, आप देख सकते हो वहां पे अपना प्राइम मिनिस्टर तक सेफ नहीं है, अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तक सेफ नहीं है, जो लोगों के हित में फैसला था वो तो वहां पे होता ही नहीं है।
हैं। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देख रही है, इवन यूनाइटेड नेशंस का भी आपने फैसला सुना होगा कि किस तरीके से, आप भी जानते हैं कि 70 सालों से कश्मीर में क्या हो रहा था, कश्मीर कश्मीर को टारगेट बनाया गया था, कश्मीर को यूज किया गया था दहशत के इरादों के लिए, कश्मीरी बच्चों के हाथों में जो है पत्थर समाए गए थे, कश्मीरी बच्चों को बहुत ही बुरे तरीके से यूटिलाइज किया था। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, यूजुअली मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पे रीगल लेन हुआ करती थी, तो रीगल लेन में क्या होता था, रीगल लेन में ये बोला जाता था कि पाकिस्तान के जितने भी टेरर फंडिंग होती थी वहां पे क्लियरली वो पाकिस्तान के कुछ भेजे दहशत गर्द वहां पे बांटते थे वो पैसे। लाइक आपकी फॉर एग्जाम्पल हमारे छोटे बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको घर पे कुछ टॉफी बताया जाता है कि नहीं हम टॉफी देंगे, चलो आप आ जाओ मेरे साथ, उसको थोड़ी पता है कि ये गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है बंदा कि सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। सेम इज द केस हियर, उनको पैसे थमाए जाते थे हाथ में और उनको बोला जाता था कि आप पत्थरबाजियां करो, आप सून पेल्टिंग करो, आप कश्मीर के हालात खराब करो। तो यहाँ पे यूजुअली जो है हालात खराब रहते थे, कर्फ्यू रहता था, स्ट्राइक्स होती थी, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था, और कितनी माओ ने अपने बेटे गंवाए होंगे, कितनी माओ ने जो है यहाँ पे कश्मीर में जितनी भी खून रेजी ना सिर्फ मुसलमान की हुई, अब यहाँ पे भी पाकिस्तानी यही प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। भाई यहाँ पे तो हर एक सेक्ट का इंसान रह रहा है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है और सिख भी रह रहा है। तो अगर मरा, सिख भी मरा, हिंदू भी मरा, क्रिश्चियन भी मरा, ईसाई भी मरा, क्योंकि वो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे। वो पाकिस्तान के जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट, जिस तरीके से ऑफिशियल जो है हमारे नाम पे कश्मीर के नाम पे, चाहे यूएन में बात करें या फिर किसी और जगह पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम पे प्रोपेगेंडे खोले जाते थे। तो नतीजा क्या रहता था, वही खून रेजी, वही ब्लडशेड जो हम लोगों ने 70 साल से फेस किया था। अब जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आई, अब जब 2014 से कुछ लोग मुझे यहाँ पे अब ये भी बोलेंगे मे बी शीज अ पेड एजेंट ऑफ बीजेपी, बट इट वॉन्ट इफेक्ट मी। अगर ये सच है, अगर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई जो है किसी को हजम नहीं होती है, क्या ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर, बट अगर आप सच बोल रहे हो, सच के साथ जो है अल्लाह ताला भी है, सच के साथ मतलब उसका साथ हमेशा ऊपर वाला भी देता है जो सच के साथ होता है, तो ये सच्ची है और ये रियल फैक्ट्स है। भाई आप फैक्ट चेक करो, जो मुझे बीजेपी का पेड एजेंट बोल रहा है वो पहले फैक्ट चेक करे, आप गूगल पे जाओ, आप 2014 से देखो, 2019 से ही बात करो, आप 370 और 35 की जब मनसूखी हुई तो किस बच्चे के हाथ में जो है पत्थर थे, किस बच्चे के हाथ में ड्रग्स थे, किस बच्चे के हाथ में वेपन थे, आप मुझे बोलो कौन सा बच्चा कश्मीर में मरा, आज कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे थप्पा लगा है, आज जो है डेवलपमेंट हर तरफ है, आज कश्मीरी बच्चा अपनी फील्ड्स में प्रोग्रेस कर रहा है, आज डेवलपमेंट है, G20 के समिट वो हो रहा है, यहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े FDI प्रोजेक्ट्स, अगर इमार की आपने बात, इमार के बारे में भी आपने सुना होगा, दुबई का दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई में इमार की बहुत प्रोजेक्ट थी, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहला प्रोजेक्ट इंडिया ने हमारे कश्मीर में लगाया, जहां पे 2500 करोड़ का यहाँ पे मॉल खुलने वाला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दैट कैन बी अ ग्रेट सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर आर यूथ ऑल्सो। और अगर हम IT सेक्टर्स की बात करें, IT सेक्टर्स भी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी भी बन रही है, G20 डेलीगेशन यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम से आए, UN ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 12 साल जो मसला था, कहते थे कि कश्मीर का जो मसला UN में चल रहा था, UN ने तो क्लियरली बोल दिया कि कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूटेड एनीमोर। तो पाकिस्तान को अब चुल मची है बस कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा करने की, बस यही बोलने की नहीं अभी भी हो रहा है ब्लैक डे मनाओ, जबकि पूरे कश्मीरी, मैं एक मुस्लिम गर्ल आके ये क्लियरली बोल रही हूँ, आपने भी बहुत सारे कश्मीरियों का इंटरव्यू किया होगा, किस कश्मीरी ने आपको बोला कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हर चीज जो है हम अपने विल पावर से कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर यहाँ पे भी आपने भी देखो मेजोरिटी तो यहाँ पे ज्यादातर सनातन धर्म की लोगों की है, तो उसी हिसाब से हमारे भी लॉज होने चाहिए, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहाँ पे हर किसी के लिए जो है वो नाफिज किया जाएगा, तो हर किसी के लिए जो है लॉज इक्वल होंगे, चाहे वो सिख होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा या फिर हिंदू होगा। तो सेम अगर आप POK की बात करें तो POK में भी आप देख रहे हो वहां पे माइनॉरिटीज के साथ, इवन मैं सुन रही थी आप ही के POJK के POJK से लोग आते हैं, अमजद अयूब मिर्जा साहब है, शायान अली है,
किस प्रकार मैंने उनसे जो चीजें सुनी, मैंने उनसे जो रिव्यू सुने पीओजीके के बारे में कि किस प्रकार से वहां पे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ उनकी आर्मी जो है गलत काम करती है, लड़कियों को गलत यूज किया जाता है। और वही बात करें, वो तो क्लियरली सोशल मीडिया पे भी डिपिक्ट होता है कि वहां के लोग क्लियरली बोलते हैं वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट इंडिया। एंड वो तो अपने आप को क्लियरली अमजद अयूब मिर्जा जो है, अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते थे देन वाई वो अपने आप को क्लियरली आके ये क्यों बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर, जबकि वो एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो पीओके है वो हिंदुस्तान का, हमारे कश्मीर का अटूट अंग है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम तो वो वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन जो नाजायज कब्जा पाकिस्तान ने उस पे किया था, जाहिर सी बात है अब वहां के लोग देखिए, एक कंट्री की जो जो वॉइस है ना वही आगे जाती है। एक स्टेट की अगर हम लोग मकबूजा होते, अगर हम लोग कब्जे में होते, अगर हम लोग जुल्म में होते, तो हम ये चीज कभी आके इंटरव्यूज पे नहीं बोलते, तो हम ये चीज आके कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बोलते कि हम सेफ नहीं है कश्मीर में, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। लेकिन हम तो क्लियरली आके बोल रहे हैं। और वहां के लोग देखो, वहां के लोग बेचारे कैलिफोर्निया, यूएस पहुंच के ये चीजें, इवन पाकिस्तान में रह के ये चीजें नहीं बोली जाती है। जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तब वो वहां पे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है दूसरे दिन को आर्मी उठा के ले जाएगी। तो अब ये चीज आप क्लियरली आप कंपेरिजन करो, वैसे तो कंपेरिजन का अगर हम जिक्र करें, कंपैरिजन है ही नहीं कहीं पे, लेकिन आप खुद देखो, आप कंपैरिजन करो, आप देखो कि कौन सा कश्मीर मकबूज। ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं, या इवन पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोग भी आए, अपनी आवाज यहाँ पे रखें, पूरी दुनिया तक आवाज पहुंचे। अगर उन्हें कोई इश्यूज हैं तो वो भी लाएं, और अगर वो बिल्कुल अपना आजादी के साथ रह रहे हैं तो वो भी वो बताएं। एक चीज जो मैंने फिजिकली कश्मीर का विजिट किया, 10-15-20 दिन मैं वहां पे रहा, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले जब मैं गया था, मैंने वहां पे ऑब्जर्व की जो यूथ थी खास तौर पे, वो ये कहती नजर आई कि भाई हमें पाकिस्तान से उस तरीके से कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान को अपना नेबर कंट्री समझते हैं। और ये चीजें ऑन दी रिकॉर्ड मेरे चैनल पे मौजूद है। मे भी उन्होंने ये भी कहा, नो डाउट उन्होंने ये भी कहा कि भाई इंडिया के साथ भी हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम अपनी आजाद रियासत बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, और अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें तो ये नौजवान लड़की मेरे साथ मौजूद है, ये इंडिया साइड कश्मीर पे बैठ के कितनी आजादी से बात कर रही है और जो अपनी ओपिनियन दे रही है। उन्होंने ये बताया कि अगर जुल्म हो रहा था तो हम क्यों चुप रहते, हम बोलते। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये प्रोपोगंडा है, अगर किसी को लगता है कि ये पेड है सब कुछ, तो आए अपना मौकफ रखें, जो सच होगा वो देखने वाले समझेंगे। भाई का बड़ी जबरदस्त आप बात कर रही हैं, आपने बोला गूगल करके देखा करें, मैंने गूगल किया तो वहां से मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कश्मीर में लॉन्च की गई हैं इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, जिनमें हौसला स्कीम है वुमेन के लिए, इसके अलावा जनानी सुरक्षा योजना है वो भी वुमेन के लिए है, उसके अलावा उम्मीद स्कीम है। आप इन स्कीम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये बराए नाम है या इनका फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बहुत आए, आपने भी देखा होगा, लेकिन इतिहास में एक नाम गूंजता है, चाहे वो यूएस भी जाए, चाइना भी जाए या फिर कहीं और जाए, उनको रिस्पेक्ट भरपूर तरीके से मिलती है। 120 कंट्रीज ये दावा करती है कि वो हमारे ग्लोबल फ्रंट पे जो है रहनुमा बने। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विजन बहुत ब्रॉड है, वो बहुत ब्रॉड सोचते हैं। 2014 से मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये बोलते हैं कि मोदी सरकार है, बीजेपी है, वो है, ये है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, सीरियसली आप गूगल करें, आप देख ले, इन्हीं स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी आपने सुना होगा, जो गरीब लड़कियां हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गरीब लड़कियां होती बिल्कुल है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है स्कॉलरशिप्स पे, पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो है, उनको इंडिया में जो है एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जी
उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल, कोई पढ़ाई करना चाहता है, आगे कंटिन्यू करना चाहता है, कोई कोर्स है या फिर किसी कोर्स के तहत वो कहीं जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है जिसके तहत वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती है. या फिर लड़कियों के लिए या फिर विडोज के लिए, जैसे कि आपने जनानी स्कीम की बात की, जैसे कि आपने जनानी स्कीम, फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी जैसे बेरोजगार औरतें होती है, फॉर एग्जाम्पल गरीब औरतें होती है, अनएजुकेटेड होती है, उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए भी सुविधाएं रखी जाती है. उनके लिए भी पर मंथ जो है फंड्स आते हैं कुछ गवर्नमेंट से, जो उनको हेल्प करते हैं. और सेकंड थिंग, आपने वो भी सुना होगा, सद्भावना स्कीम. सद्भावना स्कीम के तहत हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, जिसपे इतने इल्जाम लगाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कश्मीरी बच्चों को भी जो है बाकी स्टेट्स में, इंडिया की बाकी स्टेट्स में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है. उसके बाद वो वहां से डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर्स बन के, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहां जाते हैं. और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपने उम्मीद स्कीम की बात की, तो ये चीजें जो है, स्कॉलरशिप्स है, विडो फंड्स है, या फिर कोई गरीब है या फिर कोई हैंडीकेप्ड है, तो उनके लिए अलग अलग स्कीम्स रखी जाती है जो कि उनको पर मंथ उनके फंड्स आते हैं, जिस वजह से वो अपना गुजारा कर पाते हैं. और सेकेंड थिंग, मैं इंडियन आर्मी का यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जैसे सद्भावना स्कीम की हमने बात की, तो वही हमने इंडियन आर्मी का ये भी आपने सुना होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो यही एक मुद्दा बचा है कश्मीर का और इंडिया का, वहां पे तो कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, उठाते हैं बस कश्मीर और इंडिया का मुद्दा. आपने ये भी सुना होगा कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों के साथ ज्यादा जुल्म करती है, वो करती है, ये करती है, हर घर के बाहर इंडियन आर्मी होती है, उनका जीना मुश्किल हो गया, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दी जाती है. तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, उनकी भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. अगर आप इन फंड्स की बात करें, सद्भावना स्कीम वो भी इंडियन आर्मी की स्कीम है. उसके बाद आता है ट्रिप्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चों को, अगर आपके बच्चे जो है कहीं पे अपना फॉर्म्स निकलते हैं, उसके उसके बाद जो है इंडियन आर्मी उन बच्चों को लेती है, उनको ऑल इंडिया टूर कराती है. हिस्टोरिकल टूर्स होते हैं, बायोलॉजिकल टूर्स होते हैं, और भी टूर्स होते हैं. और उसके बाद जितने भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, इवेंट्स होते हैं, या फिर जितने भी यहाँ पे मॉडल्स है, सिंगर्स है, राइटर्स है, रीडर्स है, जो भी लोकल लोकल लोग हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको हमारी इंडियन आर्मी ही प्रमोट करती है और आगे राही मंजिल तक पहुंचाती है. हम कह सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी उनको पहले छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स देती है, स्टेज कायम किए जाते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके बाद जो है बच्चों की सिलेक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज किसका आता है, उसको फिर आगे आगे जिस हिसाब से बच्चों का टैलेंट होता है, उस हिसाब से उनको आगे पहुंचाया जाता है. तो इट इज बिकॉज ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी जो आज कश्मीरी बच्चे किसी भी फील्ड में, चाहे आप देख सकते हो पिछले सालों में, ये बोला जाता था क्यों सो कॉल्ड कुछ JKLF के हुरियत के लीडर्स आके हमारे कश्मीरी बच्चों के हाथ में पत्थर तो थमाते थे, लेकिन ये चीज गलत बोल रहे, ये चीज इस्लाम में नहीं है. मॉडलिंग क्यों करनी है, सिंगिंग क्यों करनी है, बैठो घर में और शहीद हो जाओ, वो जिहाद का नारा लगाते थे. लेकिन आज एक कश्मीरी बच्चा भी मॉडलिंग में जाता है, आज एक कश्मीरी बच्चा भी बॉलीवुड में जाता है, आज एक कश्मीरी बच्चा भी सिंगिंग में जाता है और बहुत सारे फील्ड्स में जो है अपने आप को सराहता है, अपने टैलेंट्स को सराहता है. तो हम कह सकेंगे कि यहाँ पे मी एज ए कश्मीरी जो चीज कश्मीर में देख रहे हैं, जो बेनिफिट्स हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, और हमारे बच्चों को किस कदर हमारी इंडियन आर्मी प्रमोट करती है, काफी काबिल तारीफ है. और सेकेंड थिंग, मस्जिदों का बोला जाता है, तो हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ, जो ही रमजान का महीना होता है, तो हमारी इंडियन आर्मी अपने कैंटोनमेंट्स में मुसलमानों के लिए जो है इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है. इंडियन आर्मी में ज्यादातर हिंदू लोग, आपने भी सुना होगा, ज्यादातर हिंदू लोग, लेकिन स्टिल वो सफा बस सफा हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं. तो ये है इंडिया की यूनिटी, ये है इंडिया का भाईचारा. आप देख सकते हो, आप क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हो, आपने देखा भी होगा शायद कुछ वीडियोज में, कि इंडियन आर्मी किस प्रकार से जो है शाना बशाना कश्मीरियों के साथ खड़ी रहती है. अब जो कश्मीर के नाम पे या इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडे चलाए, ये स्कीम्स भी फेक है, ये जर्नलिस्ट भी फेक है, पेड है, ब्लॉगर्स भी पेड है, इवन लोकल लोग भी पेड है, तो उनको मैं बोलना चाहूंगी वो अपने दिमाग का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें, इथिकल बातें करें, इलॉजिकल बातें ना करें और अनइथिकल चीजें ना दोहराए. आपको अगर माशराती पाकिस्तानी कुछ वो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है इंडिया के लिए, हमने कारगिल वॉर जीती, हमने वो किया, हमने ये किया, तो दैट इज टोटली अनएथिकल. यू गाइस कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड आप वर्ल्ड में देख सकते हो, बाकी यूएस जाके पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी. मैं यही कहना चाहूंगा कि सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता, हिस्ट्री ज्यादा देर छुप नहीं सकती, क्योंकि सच अपनी एक पावर रखता है.
चाहे मैं सच बोलूं या आप सच बोले, वो सामने आएगा ही आएगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा, एक दिन, दो दिन, चार दिन बाद वो एक्सपोज हो जाएगा। आप झूठ बोलेंगी या जो भी झूठ बोलेगा एक्सपोज होगा। इसलिए मुझे भी चाहिए, हम किसी को चाहिए कि वो सच का साथ दे। सालों से सच छुपाई था और 70 साल के बाद जो है आज कहते हैं ना, जब तक सच आता है तब तक बहुत सारा कुछ डिस्ट्रक्ट होता है। तो 70 साल लगे सच को मतलब खाने में दुनिया को, लेकिन आज यूएन भी देख चुका है, 12 साल बाद आपने देखा होगा, तो सच आखिरकार सच ही होता है, सच उभर के आता है, चाहे वो कितने सालों तक दबाया जाए, लेकिन आखिरकार सच सच होता है और सच सच सबके सामने आज दुनिया में। माइका, आपने अभी बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, तो इंडिया में कुछ मुस्लिम की वीडियोस मैं देख रहा था, इवन मुस्लिम लीडर हैं, अवैसी साहब हैं और इस तरीके से और भी लीडर हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जी उनको अगेंस्ट नजर आते हैं। कश्मीर के मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कश्मीर की यूथ क्या ओपिनियन रखती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से? क्योंकि शरिया लॉ की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताना चाहूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए बनाया जाएगा ताकि जिसके भी जितने भी राइट्स है, हर एक, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको उन्हीं लॉज पे चलना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता हो। अब जब रिलीजन को यहाँ पे कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, तब क्यों नहीं अपने लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ मांगते हो कि नहीं यार यहाँ पे ये होना चाहिए। जब बात आती है किसी और लॉ की तब तो नहीं होता, लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तब ये लोग बोलते हैं कि यार कुछ लोग, मैंने बोला जो देशद्रोह होते हैं और जो देश के गद्दार होते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगी क्लियरली, मैं ये बोलना चाहूंगी वो लोग देशद्रोह हैं। वो बस इस्लाम और रिलीजियस का उन्होंने सुरक्षा कवच पहना है, उन लोगों को चाहिए कि वो इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के फेंके। ये एक कंट्री है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म चलेगा, यहाँ पे कोई रिलीजियस वो नहीं चलेगा, वो क्या बोलते हैं इसको, बस एक ही रिलीजन डोमिनेंट। मुझे बोलो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स का सीन है, तो हमारे इस्लाम में बोला जाता है ट्रिपल तलाक। अब हिंदूज में भी कुछ अलग लॉ होगा, मुसलमानों में भी कुछ अलग लॉ होगा, सिख्स में भी कुछ अलग लॉ होगा, या फिर क्रिश्चियंस में भी कुछ अलग लॉ होगा। जब इन तीन चार सेक्स को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम है? जब इन तीनों में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता होगा ना, जब इन तीन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान एक को क्यों प्रॉब्लम है? क्यों हमेशा सिर्फ मुसलमान ही? जब केरल स्टोरी हुई थी तब भी एक मुसलमान को प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीके भी बनाई गई थी, पीके में भी जो है हिंदूज को काफी ज्यादा मतलब हिंदूज का रिलीजन भी आया था। ऐसी कुछ मूवीज है जहां पे हिंदुइज्म के बारे में भी कुछ दिखाया गया था। जब एक हिंदू को प्रॉब्लम ही नहीं होती है इस सब चीजों से, जब कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी बनी, वो रियलिस्टिक स्टोरीज थी, लेकिन उनको भी बोल दिया गया ये प्रोपेगेंडा है। क्यों ऐसे लोग जो है देश में वो कहते हैं ना, खौफ खौफ और दहशत फैलाना चाहते हैं, उनका बस एक ही मकसद होता है टेररिज्म, दहशत देश में फैलाना और देश के लोगों को आपस में लड़वाना, हिंदू को मुस्लिम। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद होता है, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना। सेकेंड थिंग, मैं कश्मीर के ग्राउंड रियालिटी की बात करूं तो फिलहाल आप मुझे से रिव्यूज दे रहे, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में हूँ, क्योंकि ये हर एक रिलीजन के लिए, ये सिर्फ मुसलमान को ही यहाँ पे कौन सा टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पे तो इवन की लोगों को अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे उनको, जो है डिवोर्स के बाद जो जो चीजें होंगी, जो जो फॉर्मेलिटीज होगी, वो एक हिंदू लड़की को भी करनी पड़ेगी, वो मुसलमान लड़की को भी करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको जो है जितने भी लॉस है डिवोर्स के बाद, आपको जितनी पेनल्टी आप मतलब हस्बैंड से लेनी है, वो एक हिंदू लड़की को भी उतनी लेनी पड़ेगी जितनी की मुसलमान लड़की को लेनी पड़ेगी। अब अगर राइट्स के बारे में बात करें, राइट्स सेम होंगी हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। हिंदू प्रॉब्लम नहीं, सिख को प्रॉब्लम नहीं, मैं मुसलमान फिरके से ही हूं, लेकिन मुसलमान को क्यों प्रॉब्लम है? अब कुछ मुसलमान है जो यहाँ पे बस इस्लाम का सुरक्षा, जैसे जैसे पाकिस्तान ने इस्लाम का सुरक्षा कवच पहना है, सेम यहाँ पे भी कुछ देशद्रोह और देश के गद्दार और देश के दुश्मन है जो बस देश को खराब करना चाहते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान की हालत है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी ऐसे ही आईन बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेजोरिटी और यहाँ पे सिर्फ वही चलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो लीगल है, जिससे किसी किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मैं एज ए मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड से भरपूर सहमत है, मुझे लगता है हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे और हर कोई यहाँ पे इक्वल रहेगा,
बिना किसी भेदभाव के, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सही है। और इस पे जो है जितने भी मुसलमान कश्मीर में है, जिससे भी मैंने रिव्यूज लिए, आई थिंक मैंने सही लिए है। और यू नो पाकिस्तान के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में है, इवन पाकिस्तान में रह के। अब जो यहाँ पे है वो तो दहशत ही फैलाएंगे। ठीक है, आपने बहुत सी बातें की, लेकिन एक बात आपने बोली कि मुसलमान हमेशा इस तरीके से करते हैं या क्यों इस तरीके से करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी जो ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन के मुताबिक हर मजहब, हर इलाका, हर कंट्री में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। हम किसी एक को स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, मतलब कहीं पे ज्यादा अच्छे होंगे या ज्यादा बुरे होंगे, कहीं पे ज्यादा बुरे होंगे, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो सोसाइटी को खराब ये करें। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मेजोरिटी अगर देखा जाए, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। जो चीजें हमारे इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के लोग कर रहे हैं, हमारा इस्लाम ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम जो है वो एक पीस का रिलीजन है। हमारे प्रॉफिट ने कभी ये सिखाया ही नहीं कि आप लड़ो आप किसी को। इवन आपने वो वाक्या भी सुना होगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बूढ़ी कूड़ा फेंकती थी, तो जब वो बीमार हुई तो उनकी खबर लेने गए, उल्टा जो है उनको नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन तब भी जाके वो है प्रॉफिट उनकी खबर लेने गए। अब जो इंसान जिस मजहब में ऐसा पैगंबर होगा, जिस मजहब में ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जैसा बंदा होगा, उस मजहब में कहाँ दहशत होगा, उस मजहब में कहाँ टेररिज्म होगा, उस मजहब ने क्या कैसा सलूक सिखाया होगा लोगों के साथ। लेकिन ये जो गंदे लोग हैं ना, जिन्होंने इस्लाम का सुरक्षा कवच, आज देखो मेजोरिटी जो लोग है ना टेररिज्म में मुलव्वस है, उन्होंने बस इस्लाम का सुरक्षा कवच पहना है, इस्लाम को बदनाम करते हैं और कुछ भी नहीं, इस्लाम के नाम पे धब्बा है। मैं आपको इतना ऐसा बोलना नहीं चाहूंगी, लगता कि मेरा बस ये खास मकसद था तौर कि इन्होंने बस इस्लाम का सुरक्षा कवच था। पे हमारे इस रीजन की अगर जी बात की जाए, तो हमें अपने ही मतलब का, जो यहाँ पे इस्लाम जिस तरह का कोई लाना चाहता था, वो उसी तरह का अपने मतलब का इस्लाम लाया, जो कि रियल इस्लाम है, उससे शायद दूर रखा गया है। हमें चीजें वो बताई नहीं गई। इवन आज हम ये समझते बिल्कुल, हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, जबकि अगर रियलिटी देखी जाए, शायद हमारी वजह से ही मजहब का इमेज खराब हो रहा है, हम जैसे लोगों की वजह से जिन्हें रियलिटी खराब हो का रहा है। पता नहीं। बिल्कुल 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 सुहेब, ऐसे लोगों की वजह से हमारा इस्लाम खराब हो रहा है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें, तो आप मुझे बोलो इस्लाम में ये कहाँ पे लिखा है आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करो? इस्लाम में ये कहाँ पे लिखा है कि आप शियाओं को, जो शिया हमारा ही अपना मुस्लिम